प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यवसाय का अध्ययन विषय के अंतर्गत आज हम अध्याय 8 में बीमा, इंश्योरेंस क्या कहलाता है, इसके बारे में जानेंगे। बीमा शब्द हम सभी ने जनरली सुना हुआ है, जीवन बीमा के रूप में, वाहन बीमा के रूप में, स्वास्थ्य बीमा के रूप में। तो यहाँ पर बीमा क्या है, परिभाषिक तौर पर हम जानेंगे कि बीमा क्या कहलाता है। व्यवसायिक तौर पर यदि हम देखते हैं कि व्यवसाय में जब हम कोई भी व्यवसाय करते किसी प्रकार का, तो उस व्यवसाय में कहीं ना कहीं जोखिम बनी होती है। सबसे पहला जोखिम तो सामान्य तौर पर जैसा कि लाभ और हानि का जोखिम होता है कि व्यवसाय में लाभ होगा अथवा हानि होगी। इसके अलावा जो व्यवसाय में माल है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात आती है कि माल के विक्रय की, ये जोखिम कि माल बिकेगा अथवा नहीं बिकेगा। दूसरा, यदि किसी कारणवश दुकान या गोदाम में आग लग गई या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, चोरी हो गई, बेईमानी या धोखाधड़ी से संबंधित भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी रिस्क व्यवसाय में जुड़ी होती है। अब इन रिस्कों में से हम देखते हैं जो जोखिम है कि कुछ जोखिम तो व्यवसायी स्वयं उठाता है और कुछ जोखिम जो है वो दूसरी एजेंसी या दूसरी संस्था को क्या कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो जिनमें से परंतु कुछ जोखिम जो हैं ऐसे होते हैं जिन्हें वह अन्य एजेंसियों या व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देता है जो उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो ये अंतिम तरीका है जिसके माध्यम से वह जोखिम को अपनी सुरक्षा प्रदान करवाता है, वो बीमा कहलाता है। तो यहाँ पर जब व्यवसायी जो है अपने व्यवसाय की जोखिम को जब दूसरी संस्था या दूसरे व्यक्ति या एजेंसी को हस्तांतरित कर देता है तो वो क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। तो ये बीमा जो है जीवन बीमा से जुड़ा होता है, लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस हो गया, अग्नि बीमा हो गया, सामुद्रिक बीमा हो गया। सामुद्रिक बीमा से यहाँ पर तात्पर्य कि पानी के जहाज में जब माल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं तो माल सुरक्षित तौर पर उस स्थान तक पहुंच जाए, उसके लिए हम सामुद्रिक बीमा करते हैं। फिर स्वास्थ्य बीमा, यदि हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के खर्च के लिए, हॉस्पिटल के खर्चे के लिए जो है हम यहाँ पर अपना स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। वहीं वाहन आदि से जुड़ा हुआ, गाड़ियों से जुड़ा हुआ बीमा। तो ये इन सभी में जो जीवन, अग्नि, सामुद्रिक, स्वास्थ्य, वाहन और भी जो अन्य चीज़ें हैं उन सभी के जोखिम से क्या करता है, ये बीमा हमें संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कहलाता है बीमा। अब यहाँ हम परिभाषिक तौर पर देखें कि बीमा जो है अपने जोखिम को अन्य लोगों या उपयुक्त एजेंसियों को निश्चित प्रीमियम का भुगतान करके हस्तांतरित करने की विधि है। बीमा जो है वो अपने लोगों को, उनकी जो जोखिम है वो निश्चित प्रीमियम के बदले जो है प्राप्त करता है, और हम जो अपनी जोखिम है एक निश्चित प्रीमियम के बदले उपयुक्त एजेंसी को हम क्या कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी तथा बीमा लेने वाली संस्था या व्यक्ति के बीच क्या होता है, एक अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है बीमा कंपनी और बीमा लेने वाले व्यक्ति या संस्था के बीच में। जो कुछ निश्चित घटना के घटित होने पर यदि बीमित संस्था या व्यक्ति को हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति वो करेगी कौन, यहाँ पर बीमा कंपनी। बीमा कंपनी इसकी क्षतिपूर्ति करती है। तो यहाँ पर बीमा लेने वाले के साथ यदि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है तो जो बीमा कंपनी है वो उस क्षति को क्या करती है, पूरी करती है। यहाँ बीमा जो है दो पक्षों के मध्य क्षतिपूर्ति करने का क्या है, एक अनुबंध होता है, दोनों के बीच में, बीमा कंपनी और बीमा करने वाले व्यक्ति के या संस्था के बीच में क्या होता है, एक क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध होता है। जो बीमा कराता है, जिसे क्षतिपूर्ति मिलती है, उसे हम बीमित कहते हैं, तथा जो कंपनी बीमा करती है और जो क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है उसे हम बीमक कहते हैं। अर्थात जिसका बीमा होता है वो बीमित कहलाता है, और जो बीमा करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है क्षतिपूर्ति को पूरा करने की, वो कहलाता है बीमा। तो यहाँ जिस धनराशि के
लिए बीमा कराया जाता है वह बीमा की धनराशि या बीमा राशि कहलाती है। इतनी धनराशि का हम बीमा करवाते हैं वो कहलाती है बीमा राशि। और ये राशि को प्राप्त करने के लिए, सेवा को प्राप्त करने के लिए बीमक के द्वारा, बीमित के द्वारा जो राशि दी जाती है वो प्रीमियम कहलाती है। यहाँ पर जो है बीमित, बीमित को अर्थात बीमा कराने वाले को एक क्वार्टरली या मंथली या ईयरली या त्रैमासिक छमासिक उसको जो है समय समय पर एक निश्चित राशि का प्रीमियम उसको चुकाना होता है, तब वो क्षतिपूर्ति की राशि जो है एक निर्धारित राशि बीमित कंपनी के द्वारा उस बीमित को प्रदान की जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि बीमा जो है वो दो पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति करने का क्या है, एक अनुबंध है। जिसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है वो बीमित कहलाता है और जो क्षतिपूर्ति प्रदान करता है वो बीमक कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता, महत्व या लाभ हम देखते हैं कि बीमा की आवश्यकता क्या है या उसका महत्व क्या है या लाभ क्या है। सबसे पहला जो महत्व है वो है सुरक्षा। यहाँ पर जो है जोखिम का हस्तांतरण बीमा कंपनी को होने से संपत्ति व माल की सुरक्षा की भावना होना और यहाँ पर जो है व्यवसायी के द्वारा जो है मन लगाकर अपना आगे का कार्य करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यवसायी का यदि पूरे समय ध्यान अपनी संपत्ति, अपने माल, अपने व्यवसाय की सुरक्षा में ही लगा रहेगा तो ऐसी स्थिति में वो आगे बढ़ के काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जोखिम जो व्यवसाय से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की जोखिम है उसका हस्तांतरण जब उसने बीमा कंपनी को कर दिया और उसके मन में उसके संपत्ति और माल की सुरक्षा की भावना आ गई तो वो मन लगाकर अपना व्यवसाय का आगे का कार्य पूरा करता है। दूसरा है जोखिम का फैलाव। यहाँ बीमित व्यक्ति की संख्या अधिक होने से क्षतिपूर्ति का भार एक व्यक्ति पर कम होता है और ये सहकारी प्रयास होता है। यहाँ पर बीमा कंपनी जो है बहुत सारे लोगों का बीमा करती है तो यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति का भार है वो एक व्यक्ति पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये मिला जुला क्या है, सहकारी प्रयास है। फिर उधार की सुविधा। माल या स्टॉक या संपत्ति का सही बीमा होता है तो स्टॉक कंपनी या बैंक आसानी से ऋण प्रदान कर देते हैं। एक व्यवसायी का माल है, इसका स्टॉक है और उसकी जो संपत्ति है उसका यदि सही सही बीमा उसने करा रखा है तो वो व्यवसायी जो है बैंक में उस स्टॉक या संपत्ति को गिरवी रखकर जो है आसानी से कम साख कंपनी या ऋण कंपनी या बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। फिर चौथा है बचत को प्रोत्साहन। बीमा के माध्यम से लोगों की अनिवार्य रूप से छोटी छोटी राशि बचत के रूप में एकत्रित होती है जो विशाल पूंजी का रूप लेती है जिससे देश में पूंजी निर्माण एवं आर्थिक प्रगति में सहायता मिलती है। हम बीमा के माध्यम से जो है प्रीमियम जमा करते हैं तो प्रीमियम के माध्यम से छोटी छोटी राशि जो है बचत के रूप में एकत्रित होती जाती है और फिर वो हमें एक निश्चित समय पश्चात वापस प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर जो पूंजी एकत्रित होती है वो पूंजी देश के पूंजी निर्माण में और आर्थिक प्रगति में सहायक होती है। फिर कीमतों में कमी। व्यवसाय में यदि संपत्ति का बीमा हो तथा उसे सामान्य लाभ भी प्राप्त हो तो वह अपनी वस्तुओं को नीची कीमत वसूलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो है यदि व्यवसाय ने अपनी संपत्तियों का बीमा करा रखा है और यदि उसे सामान्य लाभ भी प्राप्त हो रहा है तो वो अपनी वस्तु को कम से कम कीमत में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ इसका लाभ जो है सीधे सीधे उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। तो ये है बीमा की आवश्यकता, उसके महत्व या उसके लाभ। अब हम यहाँ देखेंगे बीमा के सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो सबसे पहले सिद्धांत, जैसा कि पूर्व में बताया बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच में क्या होता है, एक अनुबंध होता है, क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई जो है बीमा कंपनी करेगी। तो ये किस पर टिका हुआ है, विश्वास पर टिका हुआ। तो बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनी एवं बीमित के बीच एक अनुबंध के माध्यम से बंधे होते हैं, ये पूर्ण विश्वास पर आधारित होता है। यहाँ बीमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट होनी चाहिए। यदि दोनों पक्षों में कोई महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाता है तो दूसरा पक्ष कानूनी तौर पर अनुबंध रद्द कर सकता है। तो ये परम विश्वास पर टिका हुआ है, परम सद्भाव विश्वास का सिद्धांत। दूसरा बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का सिद्धांत से तात्पर्य यहाँ बीमाकृत का बीमा
कि विषय वस्तु में बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है। यहाँ पर जो है बीमा योग्य हित का आशय बीमा कराने वाले व्यक्ति के बीमित वस्तु में ऐसे आर्थिक हित से है जो उस वस्तु की सुरक्षा व उपलब्धता में निहित होता है। तो यहाँ पर जो बीमा योग्य हित का विषय वस्तु है अर्थात जो बीमित व्यक्ति के द्वारा जो वस्तु का जिसका बीमा कराया है उसकी सुरक्षा और उसकी उपलब्धता उसमें जुड़ी हुई है। यहाँ इसी प्रकार एक व्यक्ति का बीमा हित अपने मकान या अपनी वस्तुओं से होता है। ऐसे किसी बीमा हित के अभाव में बीमा अनुबंध गैर कानूनी माना जाता है अर्थात जो बीमा कराया जा रहा है उसमें बीमा योग्य हित का जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। दूसरा जो सिद्धांत है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। तीसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जीवन बीमा को छोड़कर जो लाइफ इंश्योरेंस है वो छोड़कर बाकी जितने भी प्रकार के बीमा होते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है? क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित, अर्थात जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान जो है वो बीमा कंपनी उसको पूरा करेगी। तो ये कहलाता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। सिद्धांत के अनुसार बीमित को केवल एक वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति हो सकती है, वह बीमा से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। बीमित को यदि केवल वास्तविक हानि की ही क्षतिपूर्ति हो सकती है वह बीमा से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि 2 लाख के माल के अग्नि बीमा में 1 लाख का माल नष्ट हो जाता है तो उसे 1 लाख की क्षतिपूर्ति होगी ना कि 2 लाख। अर्थात जितना भी उसने इंश्योरेंस करा रखा है माल का उसमें से यदि कुछ हिस्सा जितना हिस्सा नष्ट हुआ है तो उतने नष्ट हुए हिस्से की ही उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी ना कि जितने का उसने इंश्योरेंस कराया। तो जैसे यहाँ पर 2 लाख का माल का उसने बीमा कराया तो जिसमें अग्नि बीमा में 1 लाख का माल जो क्या हुआ नष्ट हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति कितनी प्राप्त होगी 1 लाख की। चौथा है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है बीमा कंपनी को बीमित वस्तु पर अधिकार दिलाता है। यहाँ बीमा कराई गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति मिलने के पश्चात उस संपत्ति के समस्त अधिकार बीमाकार बीमा कंपनी को मिल जाते हैं। यदि क्षतिग्रस्त संपत्ति में कुछ मूल्य शेष रह गया है या खोई हुई वस्तु प्राप्त हो गई है तो उस पर बीमित व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। यह सिद्धांत यह बताता है हमें कि बीमा कंपनी का बीमित वस्तु पर क्या है अधिकार है। यहाँ पर क्षतिग्रस्त संपत्ति का भुगतान जब बीमाकार को बीमा कंपनी दे देती है तो बची हुई जो भी क्षतिग्रस्त संपत्ति है उस पर अधिकार किसका है बीमा कंपनी का। तो यहाँ पर यदि कोई क्षतिग्रस्त संपत्ति का कोई मूल्य शेष रह जाता है या कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो इस पर जो है यहाँ पर बीमित व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, अधिकार किसका हो जाता है बीमा कंपनी। इसके बाद है पांचवा अंशदान। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का दूसरा सहायक भाग है। यह उस समय लागू होता है जब एक ही बीमित विषय वस्तु के एक से अधिक बीमक हो, अर्थात किसी व्यक्ति ने एक वस्तु का बीमा जो है 2 जगह से करा रखा है। जैसे कि एक व्यक्ति ने अपने 5 लाख के एक मकान का बीमा 2 बीमा कंपनियों से करा रखा है और मकान में आग लगने से जो है 3 लाख की हानि होती है तो व्यक्ति दोनों बीमा कंपनियों से कुल 3 लाख की क्षतिपूर्ति उसको प्राप्त होगी। ये नहीं कि यदि उसने 5-5 लाख के 2 कंपनियों से बीमा करा रखे हैं और उसकी क्षति यहाँ पर 3 लाख रुपए की हुई है तो ऐसा नहीं होगा कि वो 3 लाख एक बीमा कंपनी से 3 लाख दूसरी बीमा कंपनी से वो ले लेगा। यहाँ पर जो है एक ही विषय वस्तु पर एक ही प्रकार से बीमा प्राप्त होगा तो यहाँ पर कुल क्षतिपूर्ति उसको 3 लाख रुपए की ही प्राप्त होगी भले ही उसने 2 बीमा कंपनियों से बीमा करा रखा। तो ये कहलाता है अंशदान। अंत में यहाँ हानि को कम करना, बीमा जो है दुर्घटना के घटित होने पर बीमा कराने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है
कि वह होने वाली हानि को कम करने के लिए वह सभी कदम उठाए जो समय वो उठाता है, जबकि बीमा ना कराया होता। अर्थात बीमा करा लेने से तात्पर्य ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए या व्यवसायी लापरवाह हो जाए। यहाँ पर प्रत्येक बीमक का ये कर्तव्य है कि वो हानि को कम करने के लिए सही कदम उठाए, ना कि यहाँ पर जब उसने बीमा कराया हो तभी वो यहाँ पर वो निश्चिंत हो जाए। तो किसी भी संपत्ति या माल का बीमा हो जाने के बाद भी उसकी देखभाल के लिए उसे उदासीन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यदि संपत्ति और माल का बीमा करा लिया तो व्यापारी जो है, व्यवसायी जो है, वो निश्चिंत हो जाए। बीमा होने के बाद भी उसको संपत्ति के, उस माल की सुरक्षा के लिए उसको व्यापक और जागरूक रूप से कदम उठाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि बीमा के जो सिद्धांत थे, और इसके अंतिम बिंदु जो है निकटतम कारण, इस सिद्धांत के अनुसार क्षतिपूर्ति या हानि के लिए घटना के निकटतम कारणों को देखना चाहिए, ना कि घटना के दूरस्थ कारणों को। इस सिद्धांत का सामुद्रिक बीमा में विशेष महत्व है। जब भी क्षतिपूर्ति की जाती है संपत्ति या माल की, तो वो घटना या किस घटना दुर्घटना के कारण वो क्षति हुई है, इसके निकटतम कारणों को देखना चाहिए, ना कि दूर के कारणों को। उदाहरण के लिए जैसे एक जहाज में समुद्र के जीव छेद कर देते हैं, यदि हमने सामुद्रिक बीमा करा रखा है, समुद्र में संपत्ति या माल है हमारा, और यहाँ पर समुद्र के जीव यदि उस जहाज में छेद कर देते हैं और पानी आ जाने से जो है वो नष्ट हो जाता है, तो यहाँ हानि के दो कारण हैं, एक तो समुद्र के जीव और दूसरा समुद्र का पानी। दो कारणों से यहाँ पर जो है माल या संपत्ति नष्ट हो रही है। तो इन दोनों कारणों में से हम क्या देखेंगे, निकटतम कारण कौन सा है, समुद्र का पानी। ये अधिकतम निकटतम कारण है और बीमित जोखिम है, अतः यहाँ बीमा कंपनी को हानि उठाना पड़ेगी। तो ये जो है विभिन्न बिंदु जो अभी हमने यहाँ देखे, ये बीमा के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया। फिर ये अभ्यास प्रश्न है, बीमा की परिभाषा दीजिए। दूसरा, बीमा के जोखिम के फैलाव से क्या आशा है समझाइए। तीसरा, बीमा का महत्व, आवश्यकता एवं लाभ को समझाइए। और चौथा, बीमा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनको स्पष्ट करिए।